माया पे बसो वृंदावन बसो पहले आप लोग को वेलकम करती हूँ मैं अपना छोटा सा ब्लॉग चुन्नू सा ब्लॉग में। तो ये चैनल तो आप लोग का है, तो आप लोग को अपना चैनल में वेलकम है। तो बहुत लोग का कमेंट आता है, बहुत लोगों का कमेंट आता है, तो मैं सोची छोटी सी चुन्नू सी ब्लॉग बना दूँ, उस पर छोटी सी बातें बता दूँ, वीडियो बना दूँ। और बहुत लोग का कमेंट आता है कि दीदी आपके फैमिली सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट है कि फैमिली सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं। तो एक बात मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ, हमारे जैसी बहुत लेडीज है, बहुत लेडीज है, तो पहले तो मैं उनको हकदार बनाती हूँ कि जो मेरे जैसी हैं वो जरा एक बार कमेंट करके लिखिएगा, मेरे ब्लॉग में आइएगा और बताइएगा कि किनका किनका फैमिली बिना हस्बैंड का सपोर्ट करता है। ठीक है, मैं भी जानना चाहती हूँ। हाँ, बहुत लोग को फैमिली होते हैं कि बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, एक से सपोर्ट करते हैं, बट मैं वो किस्मत वाली नहीं हूँ। ठीक है, मैं किस्मत की हर जगह से बहुत ज़्यादा मतलब खराब हूँ। तो पहला उनका कमेंट, और बताइएगा आप लोग। ठीक है, और मैं बात करते करते भूल जाती हूँ, बच्चे डिस्टर्ब कर देते हैं ना बीच में, मैं भूल जाती हूँ। तो हाँ, सच में मेरी किस्मत जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, हर जगह से कहीं से मेरा कामयाब नहीं होता है, फिर भी सब चीज़ छोड़कर मैं खुश रहती हूँ, हंसती हूँ, दिखाती हूँ। तो आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि मेरे सपोर्टेड कोई नहीं है। और थोड़ा बहुत करते हैं ससुर जी, वो तो मैं पहले भी बताई थी वीडियो में कि थोड़ा बहुत करते हैं। और एक अंकल कल आए थे तो कुछ बातें कर रहे थे कि नहिरे ससुरे, मतलब मायके और ससुराल भरा पूरा है ये वो कुछ ऐसे। हाँ, लहसुन ले रही थी, तो लहसुन ले रही थी तो मैं 1/2 kg ले रही थी। अंकल बोल रहे थे 1 kg ले लो, होली तक चलेगी। मैं बोली अंकल ये 1/2 kg ही लहसुन मुझे होली तक चल जाएगी। बोले नहीं, इतना बड़ा फैमिली है, आएगा लोग ख़त्म हो जाएगा, ऐसे बोले। बोले हमारे घर में कोई नहीं आता है। तो उसी पे अंकल बोले कि नहिरे है ससुरे है, मतलब मायके ससुराल सब भरा हुआ है, फैमिली आता ही होगा, तो किनको क्या पता अंदरूनी कहानी। तो मैं अंकल को एक ही जवाब दी थी, ना मेरे साथ कोई आया है और ना मेरे कोई साथ जाएगा। जिसका हाथ मैंने थामा था वो छोड़कर मुझे चला गया। तो अब मुझे किसी पे ज़्यादा ट्रस्टेड नहीं है, और ना मैं किसी पे घमंड करती हूँ और ना अपनी लाइफ पे घमंड करती हूँ। जब तक ये लाइफ है, जब तक कहती हूँ, जब तक जिंदगी है, जब तक गेम खेलूँगी, एक खिलाड़ी हूँ मैं, खेलूँगी। और ज़्यादा मैं किसी का सपोर्ट का भी इंतज़ार नहीं करती हूँ। मैं अपने हमेशा, आज नहीं जब मेरे हस्बैंड भी थे, तो मैं हमेशा अपने आप से नीचे वाले लोग को देखी थी कि उनका जिंदगी कैसे व्यतीत होता है। तो आज भी मैं उन्हीं को देखती हूँ कि उनकी जिंदगी कैसे कटती है। तो मुझे काम करने में कोई शर्म नहीं है, कुछ भी नहीं, बस मैं गॉड प्रेयर यही करती हूँ कि अगर मेरा जिंदगी ले जाना होगा तो खुशी खुशी से लेकर चले जाना, कोई गम नहीं है। बट हाँ, बीमारी करके मुझे भिनकावना नहीं, क्योंकि वो देखने वाला मेरा कोई नहीं है। ठीक है, तो आई भी थी अकेले ही, आते टाइम भी कोई नहीं रहता है और जाते टाइम भी कोई नहीं रहता है। एक बहुत विश्वास के साथ लड़की अपने पति के साथ जिंदगी काटती है, तो बहुत प्राउड फील करती है, गर्व फील करती है कि हमारा हर धन संपत्ति है। तो हमारा हर धन संपत्ति छिन गया, तो मैं अब किसी पे ज़्यादा प्राउड फील नहीं करती हूँ और किसी से आशा नहीं करती हूँ कि हमारा सपोर्ट वो करे, हमारा सपोर्ट वो करे। क्योंकि एक मेरे हस्बैंड
सपोर्ट लेके बहुत बड़ा गलती की है, बहुत ज्यादा बड़ा गलती की है। मैं उनको मना करती थी बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं नहीं मानते थे मेरी बात। तो उनके जाने के बाद, खैर मेरे मुंह पे तो कोई नहीं बोलता है, झूठ नहीं बोलूंगी, बट किसी किसी के थ्रू सुनने के लिए मिलता है। छोड़िए वो मैटर पे बात नहीं करूंगी, वो मैटर जिस दिन टाइम आएगा उस दिन बताऊंगी, है ना। उस मैटर पे मुझे बात ही नहीं करना है। तो आई होप आप लोग को जवाब मिल गया होगा। और बहुत कम ऐसे फैमिली होते हैं कि बुरा टाइम आने के बाद किसी का कोई साथ देते हैं, ठीक है। जब आपके पास रुपए हैं, पैसे हैं, बेशक आपके रुपए पैसे किसी को 1 रुपए काम नहीं आते हैं, फिर भी आप बहुत अच्छे हो। अगर आपका सिचुएशन खराब हो गया तो धरती पे सबसे गंदे आप हो। हर किसी के साथ है, मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ है। मैं आगे भी देखी पीछे भी देखी, हर किसी के साथ है। एक हमारे पड़ोस की आंटी है, वो बोलती थी, बेटा दो लेडी जा रही थी जिसमें एक विधु थी और एक सुहागन थी। तो विधु जो थी वो आ रही थी गंगा स्नान करके, ठीक है, राइट। और जो सुहागन थी वो दुष्ट कर्म करके आ रही थी। तो लोग जो बैठे हुए थे तो वो क्या कमेंट पास कर रहे हैं, जो विधु लेडीज थी गंगा स्नान करके आ रही थी तो वो क्या बोल रहे हैं, जो पड़ोस के लोग बैठे हुए थे वो क्या बोल रहे हैं, आ रही होगी कहीं से मुंह काला करके, दुष्ट कर्म करके आ रही होगी, और जो दुष्ट कर्म करके आ रही थी उसको पे कोई सवाल नहीं उठा रहा था। तो ये तो दुनिया है भैया, तो मैं भी तो उसी लेडीज में से हूँ। अगर हस्बैंड है, लेडीज कुछ भी कर रही है तो वो गंगा की धुली हुई है, और अगर हस्बैंड नहीं है, आप गंगा से धुला के भी आ रहे हो तो लोग कहेंगे कीचड़ में से डुबकी लगा के आ रही होगी। तो मैं इस सब चीज को इग्नोर करती हूँ, किसी के बात पे ध्यान नहीं देती हूँ। एक ही चीज है, जब तक जिंदगी है जब तक मुझे हंस के खेल के जीना है, और बाकी रोने वाली बात रही तो मैं कोई दिखावा नहीं करती हूँ, मैं कोई व्यूज के लिए नहीं करती हूँ। आप लोग मेरा फैमिली हो, मैं आपको दिल से फैमिली मानती हूँ, तो मैं सोचती हूँ आप लोग से शेयर करूँ। और शेयर करते करते ऐसी बातें होती है कि मेरे आँख से आंसू निकल जाती है, अभी भी आ रही थी बट मैं कंट्रोल कर ली। तो यही है हमारी कहानी, है ना। और बाकी आप लोग भी इंसान हो, आप लोग भी धरती पे हो, आप लोग की भी फैमिली है। किसके फैमिली में कैसे क्या होता है हर कोई समझता है, हर कोई जानता है। जाओ होमवर्क करो। तो मेरे लिए स्पेशली नहीं है, बहुत देखी दुनिया, बहुत देखी, एक छोटी सी उम्र में बहुत दुनिया देख ली, हंसते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, कष्ट झेलते हुए, भूखे रह के, हर चीज एक छोट, मतलब 30 साल की उम्र होते होते मैं बहुत कुछ देखी, बहुत झेली। तो अब मुझे मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक पत्थर जो हो जाता है ना इंसान की, पत्थर, वो मैं पत्थर हो गई हूँ। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, कोई मतलब नहीं है मुझे। बस मेरा एक ही का नाम है, भैया तुम बोल रहे हो मेरे खर्ची नहीं चला दोगे, तुम्हारा मुंह है तुम फाड़ते रहो। मेरे पहनावा को लेकर हुआ, मेरे ऑफिस जाने के लेकर हुआ, मुझे बाहर निकलने के लेकर हुआ, मेरे खाने के ऊपर हुआ, बहुत तरह की बातें बनी। फुर्सत में कभी बताऊंगी क्या क्या बातें बनी है मेरे ऊपर। मेरे बच्चे पहने तो उसके ऊपर बनती है बातें, मेरे बच्चे का बर्थडे आए तो उसके ऊपर बनती है बातें। तो क्या क्या मैं वो कर सकती हूँ, अगर मैं माइंड में ये सब बातें लेकर चलती रही तो सोचिए कि अगर ये जो है ना ऊपर से उड़ जाएगी, जितने लोग मुझे, और सब लोग कौन किया, जिसको मैं बहुत करीब से अपना मानी थी, बहुत ज्यादा दिल से अपना मानी थी, वही लोग घात किया। ये भी आप लोग ध्यान रखना, जिसे ज्यादा आप मानोगे ना वही सबसे ज्यादा आपको पीठ पीछे घाव करेंगे, ये सच्चाई है गाइज।
अगर किसी पे बीता होगा तो पता होगा, और नहीं तो आप कहीं लिख लेना मेरी बातों को, कि सबसे ज्यादा घात वही करेंगे जिसको सबसे ज्यादा आप मान रहे हो अपना। कभी सपने में भी नहीं सोची थी, जब मेरा समय अच्छा था।